आज के इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन ऐप के बारे में। और इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ कि अपना यहाँ पे ड्रीम इलेवन ऐप में आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या गाइज आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्या सलूशन है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अपना आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ ही अगर आप आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किस प्रकार से यहाँ पे टीम लगाएंगे, किस प्रकार से यहाँ पे मतलब टीम लगाने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या कि गाइज आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे जब भी कोई टीम में जाएंगे, जब भी यहाँ पे टीम में यहाँ पे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको टीम क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे टीम क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टीम में यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपसे यहाँ पे बोलेगा आधार कार्ड को वेरीफाई करने। जैसे यहाँ पे कॉन्टेस्ट लगाने जाएंगे यहाँ पे बोलेगा आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में बता दूं कि जैसे यहाँ पे वेरीफाई आएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, पहला लिखा हुआ होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक विच आधार, यहाँ पे वेरीफाई एंड डिजी लॉकर। फिर आप लोगों का मन में होगा कि यहाँ पे डिजी लॉकर क्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिजी लॉकर के नाम सुनकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पे आधार कार्ड के आप में जो आपका नंबर लिंक है उस पर एक यहाँ पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना। लेकिन एक और समस्या आप लोगों के पास है कि बहुत का यहाँ पे आधार कार्ड में फ़ोन नंबर ही लिंक नहीं है तो फिर ओटीपी कैसे आएगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आधार नंबर में, अगर आप लोग का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप आधार कार्ड का फोटो यानी अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आसान होगा, नहीं तो आप यहाँ पे अपना नंबर मतलब यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। तो जैसे आपको नंबर डालना तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आधार नंबर डालना है, एक यहाँ पे आपको कैप्चा आएगा उसे डालना है। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आप लोग का ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी डालेंगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, आप लोग का आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अगर गाइस यहाँ पे आप लोग को अपना फोटो अपलोड करना है तो उस पर कैसे करेंगे, सिंपली आप लोग को यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेगा, पहला आधार कार्ड, दूसरा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा यहाँ पे वोटर कार्ड। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक ही साइड में यानी आपको एक ऐसा फ़ोटो लेना है जिसमें कि आपका एक ही साइड में दोनों तरफ का आधार कार्ड का आ जाए, जिससे कि आप लोग एक बार वेरीफाई हो। सिंपली आधार कार्ड पे चूज करेंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाएंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग चूज करने के अपलोड करेंगे तो बस यहाँ पे एक से दो मिनट के बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग का सवाल था कि अगर आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए करना क्या होगा कि यहाँ पे ड्रीम इलेवन के वेबसाइट से जाकर आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर से अगर आप यहाँ पे ऐप यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है और यहाँ पे इसके वेबसाइट में जाना है और इसके वेबसाइट से जाकर यहाँ पे आपको उसके वेबसाइट से जाकर इसे यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं भी यहाँ पे वेबसाइट वाला ही यूज करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अगर आप लोग को यूजफुल, वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।